खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। ओम शांति। सभी ज्ञान सरोवर का कैसा आनंद ले रहे हैं? दो दिन से सबके चेहरे के ऊपर मुस्कान दिखाई दे रही है। ऐसी ही मुस्कान हमारे जीवन में सदा कायम रहे तो जीवन कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? खुशनुमा जीवन। जैसा नाम है, टाइटल है खुशनुमा, है ना? नाम लेते हमारे चेहरे के ऊपर कैसे भाव आ जाते हैं, खुशी के भाव आ जाते हैं। तो आज इसके ऊपर बहुत सुंदर चर्चा करेंगे, कुछ यहां से लेके जाएंगे। ये एक लेक्चर नहीं है, लेकिन जीवन को बदलने के लिए अपने माइंड के अंदर चेंज लाएंगे आज से ही, क्योंकि यहाँ एकांत का वातावरण है और यहाँ हम जीवन में क्या मिसिंग कर रहे हैं उसको अनुभव करके अपने जीवन में, अपने मन में चेंज लाना है। कोई एक या दो चेंज जरूर लेके यहाँ से जाए। तो जो आज का टाइटल है खुशनुमा जीवन जीने की कला, खुशी क्या है, क्यों ये टाइटल रखा गया है, कि जब हमारे जीवन में खुशी आती है, खुशी का अर्थ है अंदर से हल्कापन, और जब हमारे अंदर हल्कापन आता है, नेचुरल खुशी हमारे अंदर क्रिएट होने लगती है, तो सबसे पहले इसका बेनिफिट हमारा तन कैसा बन जाता है, हेल्दी बन जाता है, हमारा मन शक्तिशाली बन जाता है, तीसरा हमारे जीवन में सफलता चली आती है, चौथा खुश रहने से हमारी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बन जाती है, पांचवा खुश रहने से हमारे जीवन में एकाग्रता बढ़ने लगती है। ये कुछ मैंने बड़ी बड़ी बातें बताई है। सार रूप में जब हमारा मन खुश रहता है तो परिस्थितियां, समस्याएं कैसे फील होती है, खेल जैसी अनुभव होती है। वर्तमान जीवन में जहां हमारे जीवन में अनेक समस्याएं, परिस्थितियां हैं, ऐसे वर्तमान जीवन में कैसे हम अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं, इसके लिए हम बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। पहले समझेंगे कि कहाँ हमारी खुशी गायब हो रही है, कौन खुशी को गायब कर रहा है। बिल्कुल ग्राउंड टू लेवल हम स्टार्ट करेंगे,
एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी किसी बात पर आधारित नहीं है। खुशी किस पर आधारित है? चिंतन करें किस पर आधारित है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक पंडित जी बस में यात्रा कर रहे थे, पास में बैठे हुए सज्जन से बहुत अच्छी उनकी वार्तालाप चल रही थी और वार्तालाप उनकी मित्रता में बदल गई। और जब स्टेशन नज़दीक आने का हुआ तो उससे पहले ही उन्होंने परिचय पूछा सज्जन का, पास में बैठे हुए सज्जन का, कि आपका परिचय क्या है। और जैसे उन्होंने अपना परिचय दिया तो उनकी खुशी गायब हो गई, क्योंकि लोअर कास्ट के थे। चिंतन करें। खुशी कहाँ है? खुशी बाहर नहीं है, खुशी हमारे अंदर है। अंदर में भी कहाँ है? हमारे विचारों में है। सेकंड एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। एक सज्जन ने बहुत मेहनत करके, कमाई करके एक बहुत सुंदर आलीशान बंगला बनाया और उस कॉलोनी के अंदर उनके जैसा बंगला किसी के पास नहीं था, तो कुछ समय तक तो उनके अंदर बहुत खुशी थी। लेकिन थोड़े समय के बाद ही किसी दूसरे व्यक्ति ने उस कॉलोनी के अंदर एक उससे भी अच्छा बंगला बना दिया, खुशी गायब हो गई। सोचे, चिंतन करें। आप दो दिन से सुनते आ रहे हैं मैं कौन, और आज के लेसन में आपने सीखा होगा मेरा कौन, परमात्मा कौन है। अगर हमें जीवन को खुशनुमा बनाना है तो स्वयं का सत्य ज्ञान और परमात्मा की संपूर्ण पहचान और इस सृष्टि रूपी नाटक का संपूर्ण ज्ञान जीवन को खुशनुमा बना देता है। अगर कोई एक बीमार व्यक्ति है, बुखार है उसको, और डॉक्टर से वो डायग्नोसिस कराता है, मेडिसिंस भी लेता है, फिर भी उसका बुखार ठीक नहीं होता है, तो जरूर कहीं गड़बड़ है। ऐसे ही वर्तमान जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, अशांति है, तनाव है, बीमारी है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मानते हैं? वो कहां मिस्टेक हो रही है? आज से मैं 50-60 साल पहले जहां मैं विलेज में रहता था, हमारे गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, और कोई बीमारी के लिए हमें 5-6 किलोमीटर दूर पास में टाउन में जाना पड़ता था, वहां भी बहुत 5-7 डॉक्टर हुआ करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं 60-70 साल के बाद मेडिकल साइंस कितना एडवांस हो गया है। आज दिन प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीमारियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही। चिंतन करें कि कहां मिस्टेक हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मिस्टेक है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मिस है। तो जीवन क्या है?
जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। अगर हम इस यात्रा के रूप में लेके चलते हैं तो यात्रा में क्या होता है, कई तरह के बैरियर्स आते हैं, वातावरण चेंज होते हैं, कई तरह के सीन हमारे सामने आते हैं, अर्थात जीवन में मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, ये सब हमारे सामने आते रहते हैं। सदा ही किसी की विजय हुई हो, सदा ही किसी को सफलता मिली हो, ऐसा तो कभी हमने किसी को देखा नहीं है। कभी हार होती है, कभी जीत होती है। अगर हमारी हार होती है तो हार के कारण को ढूंढ करके हमें फिर वापस नेक्स्ट टाइम क्या कर लेना चाहिए, उसको चेंज कर लेना चाहिए, कहाँ मिस्टेक हुई है। जो जीवन में हार करके भी नहीं हारता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम शक्तिशाली इंसान कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जितना हमें मान मिलता है और मान मिलने पर हमें खुशी मिलती है, उतना ही खुशी अगर हमें हमारा कोई अपमान करे, उतनी ही खुशी अगर हमें उसका आनंद अनुभव होने लगे, खुशी अनुभव होने लगे, उसको कहते हैं जीवन। जो हार करके भी मन से जो नहीं हारता है वही सच्चा इंसान है। तो जीवन क्या है, सिंपल बात है। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक बेसिक चर्चा करता हूं कि अपनी खुशी को कायम करने के लिए, देखो गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं, अपने ड्रेस में थोड़ा बदलाव लाते हैं ना, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। सर्दी आती तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। बरसात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, रेनकोट पहनते हैं, छाता लेके साथ में चलते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जीवन प्रोटेक्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर हमें जीवन को खुशनुमा बनाना है तो कुछ बातों की नॉलेज जो हमारे जीवन से मिस हो रही है, अगर उस मिसिंग को थोड़ा सा हम कंप्लीट कर ले तो आज से ही हमारा जीवन कैसा बन सकता है, खुशनुमा जीवन बन सकता है। केवल हमें चेंज लाना है अपने माइंड के अंदर। देखो अगर गर्मी में अगर हम गर्म कपड़ा पहन ले तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारे अंदर बेचैन हो जाएंगे हम। अगर अपने जीवन को कुशल बनाना तो हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जिससे हमारा उस वातावरण के साथ हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ऐसे वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान आत्माओं के साथ, वर्तमान समस्याओं के साथ कैसे हमें एडजस्ट करना है, उसी का नाम है खुशनुमा जीवन। तो थोड़ा सा हम अभी चर्चा करेंगे जीवन क्या है। जीवन का अर्थ है कि शरीर प्लस आत्मा, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जीवन बनता है, ये शरीर बनता है। और जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा के अंदर तीन शक्तियां होती है, कौन कौन सी, मन बुद्धि
संस्कार, ये बहुत सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन विचार करने वाली शक्ति का नाम मन कहते हैं। जो हमारे हम चिंतन करते हैं, वो चिंतन कहाँ क्रिएट होता है? हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे अंदर क्रिएट होता है। और हमारी बुद्धि में क्या रहता है? हमारी बुद्धि में ज्ञान, हमारी बुद्धि में विवेक रहता है। और जैसा हम कर्म करते हैं, वैसे हमारी पर्सनालिटी, वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बुद्धि की। ऐसे तो दुनिया में बुद्धि, अगर दुनिया वालों से हम पूछें व्हाट इज इंटेलेक्ट, माइंड इज इंटेलेक्ट। लेकिन बुद्धि मन से भी सूक्ष्म एक शक्ति है। हमारी बुद्धि में हमने क्या पढ़ लिया, हमारी बुद्धि में क्या रहता है? ज्ञान रहता है। लेकिन जब हमारी बुद्धि शांत बुद्धि के बजाय तेज बुद्धि बन जाती है, देखो क्या परिणाम आते हैं हमारे जीवन में। एक माता की बुद्धि बहुत शांत है, वो अपने वर्तमान जैसा भी जीवन है उसके पास, फटी टूटी झोपड़ी है उसमें उसको आनंद है। एक तेज बुद्धि वाली आत्मा जिसके पास सब कुछ है, लेकिन जब जैसे ही वो सामने वाले को देखता है कि मेरे पास एक मारुति है और सामने वाले के पास दो अच्छी गाड़ियां हैं, तो देखते ही क्या हो जाता है उसके अंदर? खुशी गायब होती है। हम क्या करने लगते हैं? कंपटीशन, कंपैरिजन। ये कार्य कौन करती है? हमारी बुद्धि करती है। आज हमने अपनी बुद्धि में क्या पढ़ लिया है? आज हमने बुद्धि में ज्ञान के बजाय, हमारी बुद्धि में विवेक के बजाय हमने क्या पढ़ लिया है? हमने अपनी बुद्धि में कुछ ऐसी बुराइयों को एडॉप्ट कर लिया जिसके कारण हम पाप को पाप नहीं समझ रहे हैं। देखो करप्शन करना, उसको आज हम क्या मान लिया? पॉलिसी मान ली जीवन की। पहले हम सुना करते थे होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और आज हमने क्या बना लिया? डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे ही मनोविकारों को, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वो पांचों विकारों को हमने अपने जीवन में एडॉप्ट कर लिया। इसके बिना तो हमारा काम हो ही नहीं सकता है। तो जब हमारी बुद्धि पतित बन जाती, जब हमारी बुद्धि में विवेक खत्म हो जाता, जब हमारी बुद्धि तेज बुद्धि वाली बन जाती है, तो हम क्या करते हैं? पाप करने लगते हैं। देखो एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। तेज बुद्धि वाला क्या करता है? रात दिन यही लक्ष्य रखता है कि मैं कैसे भी करके मैं अपने अंदर धन को इकट्ठा करूं। अब ज्यादा धन इकट्ठा करने के चक्कर में वो क्या करने लगता है? वो पाप करने लगता है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ज्यादा धन इकट्ठा करने से जो मैं पाप से धन इकट्ठा कर रहा हूं, उसकी गति क्या होगी। आज हम देखते हैं भाई भाई का क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी को छीन रहा है। हम एक दूसरे की प्रॉपर्टी को हत्या रहे हैं। अब वो जो आपके पास पैसा आ रहा है, गलत ढंग से जो पैसा आ रहा है, वो पैसा क्या कर रहा है? जिस गति से आपके पास पैसा आ रहा है और उस गति से आप अपने परिवार की जो पालना कर रहे हैं, तो क्या आपके बच्चे चरित्रवान बनेंगे? कभी भी आपके बच्चे चरित्रवान, पाप का कमाया हुआ पैसा कभी भी आपके परिवार में सुख शांति नहीं ला सकता है। इसीलिए आज हमारा परिवार में क्या हो रहा है? हमारे परिवार में
दुख, अशांति, तनाव, टकराव, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। ये तेज बुद्धि के कारण हम पाप को पाप नहीं समझ रहे हैं, अनुभव ही नहीं कर रहे हैं कि मैंने कहां पाप कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि को क्या करना है, अपनी बुद्धि को सद विवेक से भरपूर करना है। और हमारी बुद्धि में सत विवेक आता है स्पिरिचुअल ज्ञान से आता है। और स्पिरिचुअल ज्ञान कहाँ दिया जाता है, जो आप ये दो दिन से सुन रहे हैं, व्हाट एम आई, हु इज हु। स्पिरिचुअल का अर्थ है सेल्फ से कनेक्टेड। जितना हम अपने स्वयं की नॉलेज बढ़ाते जाते हैं तब हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। और जब हमारी बुद्धि में विवेक आ जाता है तो ऐसी बुद्धि क्या करती है, सत्य और असत्य का निर्णय कर लेती है कि मुझे क्या करना है, व्हाट इज ट्रूथ व्हाट इज रॉन्ग। जब हमारी बुद्धि में विवेक आ जाता है तो विवेक आने से हमारे कर्मों में परफेक्शंस आने लगती है, हमारे जीवन में सेटिस्फेक्शंस आने लगता है, हमारे कर्म परफेक्ट होने लगते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि में क्या बढ़ना है, हमें अपनी बुद्धि में विवेक बढ़ना है। जितना हम ईश्वरीय ज्ञान को अपने अंदर बढ़ते जाते हैं उतना हमारे अंदर विवेक शक्ति बढ़ती जाती है। दूसरी बात है संस्कार। संस्कार अर्थात हैबिट्स, मान्यताएं। कई तरह की हमने मान्यताएं, कई तरह की संस्कार जो हमने एडॉप्ट कर लिए है, वो संस्कार देखो हमें कैसे परेशान करते हैं। हमारे संस्कार ही हमको परेशान कर रहे हैं। कईयों में अनुमान करने के संस्कार, जैसे एक पत्नी ने अपने हस्बैंड को देखा, क्या देखा, उसका हस्बैंड किसी लड़की से बात कर रहा है, बस खुशी गायब, संबंधों में खटास कि नहीं तुमने उस लड़की से बात करते हुए देख लिया, बस जीवन के अंदर फ्रैक्शंस पैदा हो गया, नहीं तुम बिल्कुल रॉन्ग हो। वो कहता है भाई वो मेरे ऑफिस स्टाफ की मेंबर है, मेरे काम की बात कर रहा हूँ, नहीं तुम बिल्कुल रॉन्ग हो। देखो अनुमान करने की आदत क्या कर रही है, देखो हमारी खुशी को खत्म कर रही है। ये संस्कार, अनुमान लगाने के संस्कार। दूसरा, बार बार गुस्से करने के संस्कार, क्रोध करने के संस्कार। जिसके अंदर क्रोध होता है तो पूरा परिवार का वातावरण कैसा हो जाता है, बारी हो जाता है, पूरे परिवार के अंदर अशांति आ जाती है। एक बात बहुत मैं सुना करता हूं, माताओं में संस्कार कौन से होते हैं, वहम, और भाइयों में अहम। माताओं में शंका करने के संस्कार, नहीं तुम बिल्कुल गलत हो, वो स्वीकार ही नहीं करती है, नहीं तुम बिल्कुल रॉन्ग हो। औरों के प्रति विश्वास, स्वयं के प्रति विश्वास। जीवन में क्या होना चाहिए, जितना हम औरों के प्रति विश्वास रखते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती जाती है। जितना हम ये अनुमान, जितना हम एस्टिमेट लगाते हैं, जितना हम डाउट वाली नेचर को एडॉप्ट करते हैं, अनुमान करना, शंका करना, बात बात में शक करना, ये हमारी आंतरिक शक्तियों को कमजोर बनाता है। तो आज हम देखते हैं हमारे कई संस्कार, उस संस्कार ही हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में तनाव क्रिएट कर रहे हैं, हमारे जीवन की खुशी को खत्म कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं माताएं क्या करती है। देखो माताओं में क्या नेचर होती है, एक
कभी अपनी देखो एक बेटी होती है, बेटी अगर गलती कर दे तो अपने पति को भी नहीं बताएगी, लेकिन अगर पड़ोस की महिला की कोई बेटी गलती कर दे तो क्या करेगी वो माता, पूरे परिवार के पूरे समाज के अंदर उस बात को फैला देगी। तो ये जो संस्कार है हमारे अंदर, कहाँ कहाँ हमने ऐसे गलत संस्कार बनाए हुए हैं, ऐसे कई गलत संस्कार जिसके कारण हमारे जीवन में खुशी खत्म होती जा रही है। प्रैक्टिकल में और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कईयों के अंदर बातों को पकड़ने की आदत, होल्डिंग नेचर। किसी ने मान लो आज सवेरे कुछ बोल दिया, हम उस बात को पकड़ के बैठे, पूरा दिन हो गया हमारे, पूरे दिन भर हमने खुशी को गंवा दिया। होल्डिंग नेचर, हम ये भूल जाते हैं बात बड़ी है या मैं बड़ा हूं। हम कई बार अपने को सेल्फ रेस्पेक्ट देना भी भूल जाते हैं, मैं कौन हूं। तो कई बार ये बातें परिस्थिति आती है उसमें हम अपने को क्या कर लेते हैं, हम अपने को डाउन कर लेते हैं, हम स्वयं को ही भूल जाते हैं। हम उस बातों के चिंतन में पूरे दिन भर, कई महीने, कई साल गुजार देते हैं। हम ये भी देखें कि हमारे जीवन में रोज प्रत्येक क्षण बहुत अच्छे आनंद के क्षण, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, लेकिन उस बात को पकड़ने के कारण हम उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ही नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमने अपने मन में क्या भर दिया, हमने अपने मन के अंदर बातों को बैठा के रखा है। आज से मान लो 15 साल पहले कोई ऐसी घटना हो गई, हम उस बात को लेकर के अभी भी चल रहे हैं। तो अभी तक हम कहाँ हैं, 15 साल पहले वाली स्टेज पे, जबकि 15 साल के अंदर कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आई और चली गई। हम क्या कर रहे हैं, बात के कारण हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गंवा रहे हैं। हम वर्तमान में रहना सीखें, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। वर्तमान क्षण हमारे लिए बहुत सुंदर चीजें लेके आ रहा है, लेकिन हम उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहे। तो ये जो हमारी होल्डिंग नेचर है, ये होल्डिंग नेचर क्या कर देती है, हमारी खुशी को खत्म कर देती है। एक सूक्ष्म बात है कि जिस तरह से हम विचार करते हैं, इन विचारों के साथ क्या होते हैं, हमारे वाइब्रेशंस होते हैं। क्यों खुशी खत्म हो रही है, ये खुशी खत्म होने के पीछे हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारा मन बहुत कुछ सोच रहा होता है। आपको मालूम होना चाहिए जैसे सूर्य अपने प्रकाश किरणों के द्वारा वो प्रकाश फैलाता है, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये ध्वनि तरंगों के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है। ऐसे हम जो संकल्प करते हैं, ये संकल्प हम जो क्रिएट करते हैं, इनके साथ वाइब्रेशंस होते हैं, इनकी एक एनर्जी होती है। जैसे हम संकल्पों की क्वालिटी करेंगे, वैसे ही हमारे अंदर ये एनर्जी क्रिएट होने लगती है। जैसे हम संकल्प करते हैं तो वो एनर्जी सबसे पहले कहाँ जाती है, हमारे ब्रेन के द्वारा हमारे शरीर में जाती है, और जिसके बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो वो एनर्जी वहां चली जाती है। हमारे एक दो के बीच में क्या होता है, एनर्जी कॉन्टेक्ट होता है। मान लो अगर आप औरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर वो बेड एनर्जी चली जाती है, और जब हम औरों के प्रति बुरा सोचते हैं तो सामने वाले के माइंड के अंदर भी वो हमारे वाइब्रेशंस, वो हमारे तरंगे, थॉट वेव्स उनके मन के अंदर चले जाते, वो भी हमारे प्रति ऐसे ही सोचने लगते हैं जैसा हम उसके प्रति सोचते हैं।
हम अपने अंदर चेंज लाए कि नहीं, सामने वाला बहुत अच्छा है। मान लो आपके पति ने कोई गलती कर दी और आप उसके लिए अपने मन के अंदर खराब विचार पैदा कर रहे हैं, नहीं मेरा पति खराब है, मेरा हस्बैंड ने ये गलती की, मेरा पति बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप बार बार ये सोच रहे हैं तो आपका पति भी आपके प्रति क्या सोच रहा है, जैसा हम सोच रहे हैं सामने वाला भी ऐसा ही सोच रहा है। इसके बजाय क्या चेंज लाएं, नहीं मेरा पति बहुत अच्छा है। देखो चेंज लाओ अपने अंदर, क्या होता है, भले वो गलती कर रहा है लेकिन अपने माइंड के अंदर चेंज लाएं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो तरंगे उस सामने वाले के पास पहुंचती है। ये ज्ञान हमें होना चाहिए। बहुत सूक्ष्म शक्ति है, वो है ये हमारी थॉट पावर, और बहुत शक्तिशाली पावर है इसमें। तो हम अपने माइंड में चेंज लाना है कि हम औरों के प्रति भी हम अच्छा सोचें। जितना हम औरों के प्रति अच्छा सोचेंगे, सामने वाला भी हमारे प्रति अच्छा सोचेंगे। तीसरी बात हम करते हैं वो है मन। मन का एक बहुत बड़ा चैप्टर है माइंड पावर। दुनिया में दो बड़ी शक्ति है, एक है सुप्रीम पावर जो आज सवेरे आपने सुना होगा, हु इज हु, सभी धर्म वाले किसको याद करते हैं, उस ऊपर वाले को याद करते हैं, भले उसके नाम रूप अलग अलग भाषा में अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्याख्या की गई है, लेकिन सभी का भाव वो ऊपर वाले के प्रति होता है। वो कौन है, स्पिरिचुअल पावर। और सेकंड जो सबसे बड़ी पावर है वो है माइंड पावर, संकल्प शक्ति। बहुत बड़ी शक्ति है हमारी संकल्पों में। हम ये जानते हैं कि हमारा मन निरंतर विचार करता रहता है। एक मिनट में हमारे नॉर्मल कितने विचार क्रिएट होते हैं, किसी डॉक्टर ने किसी मनोवैज्ञानिक को नहीं बताया है कि जब हमारी माइंड की नॉर्मल स्टेट होती है तो 20 से 25 विचार क्रिएट होते हैं, और जैसे हमारा मन एबनॉर्मल होता जाता है तो हमारे विचारों की स्पीड बढ़ने लगती है। हम एक मिनट के अंदर 20 से 25 विचार कर लेते हैं, ऐसे 24 घंटे में। जब एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी हमारे नीचे शांतिवन में, तो वहां ये चर्चा चली, तो किसी डॉक्टर ने कहा है कि 40,000 थॉट्स हम 24 घंटे में क्रिएट कर लेते हैं। किसी ने कहा 50,000, किसी ने कहा 55,000, सभी सही है। क्यों, सभी का माइंड का लेवल सबका अलग अलग है। तो जितने हम विचार करते हैं वो विचार क्या कर रहे हैं, हमारी आंतरिक शक्ति को खत्म कर रहे हैं। जैसे आपके घर के अंदर 0 वाट का बल्ब है और 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा और 0 वाट वाला कम एनर्जी को कंज्यूम करेगा। ऐसे ही चेक करें हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, किसी कारण अकारण से विचार चलते हैं। जब हमारे मन के विचारों की स्पीड फास्ट हो जाती है तो हमारी आंतरिक शक्ति इनर पावर कम होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मेहनत करके पूरे दिन में 500-700 रुपए कमाए हैं और रास्ते में गिर गए। देखो जैसे ही आपको पता लगा कि मेरे पैसे गिर गए, अब क्या होगा, मैंने बहुत मेहनत से कमाया, एक सिचुएशंस ये होती परेशान हो गए, दूसरी सिचुएशंस ये होती है कोई बात नहीं और कमाएंगे। देखो घटना एक जैसी है, अगर हम उसका ही चिंतन करते रहे, नेगेटिव चिंतन करते रहे, तो क्या हो जाएगा, हमारे मन की स्पीड फास्ट हो जाएगी और हमारी आंतरिक शक्ति इनर पावर
कम होती जाएगी। हमें धन से भी ज्यादा हमें अपनी माइंड संकल्प शक्ति के ऊपर अटेंशन देना है कि जितना हम अपनी इनर पावर को बढ़ाते जाएंगे उतना हमारे अंदर खुशी का लेवल बढ़ता जाएगा। हमें अपने संकल्पों की क्वालिटी को अच्छा बनाना है। जितना हम अपने संकल्पों में क्वालिटी लाएंगे, जितना हम पॉजिटिवनेस लाएंगे, उतना हमारा मन शांत होता जाएगा, उतना हमारा मन शक्तिशाली बनता जाएगा। हमारा पूरा जीवन आधारित है हमारे संकल्पों पर, हमारे थॉट्स पर। हमारा इन बातों पर अटेंशन कम है, हमारा अटेंशन और बातों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर लेते। मैं ये कहना चाहता हूं, धन से भी बहुत बड़ी शक्ति है, वो शक्ति है संकल्पों की शक्ति, माइंड पावर बहुत बड़ी शक्ति है। तो हमें अपने संकल्पों को जितना हम इसको अच्छा बनाएंगे उतना हमारे अंदर ये इनर पावर बढ़ती जाएगी। अब हमें अपने माइंड के अंदर क्या करना है, अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज लाएं। देखो आज हमारे जीवन में डिफरेंट परिस्थितियां आती है। जैसे मान लो किसी डॉक्टर ने आपको देखा और देखने के बाद मान लो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको कैंसर है, सारा चेक किया, डायग्नोसिस किया, और जैसे आपको पता मुझे कैंसर है, तो कैंसर का विचार क्या कर देगा आपको, क्या कर देगा आपको, अब तो बस गए कि गए, बस अब तो हम थोड़े दिन के मेहमान हैं। देखो एक थॉट तो ये होता है, अगर जैसे हम अपने मन के अंदर ये बीमारी को ले लेते हैं तो हमारी बीमारी और बढ़ जाती है। आज का मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि 95% बीमारियों का कारण क्या है, हमारा मन है, ये इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। आज इतनी बीमारियां बढ़े उसका कारण क्या है, आज मेडिकल साइंस बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स बढ़ गए, फिर भी बीमारियां प्रिवेंट नहीं हो रही है, कारण क्या है, ये हमारा मन, हमारा मन के ऊपर अटेंशन ही नहीं है। 95% बीमारियां हमारे मन से पैदा होती है। देखो एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपके सामने, दूसरा एक कैंसर का ही एक एग्जांपल बताता हूं। एक बच्चे को एक कैंसर हुआ, प्रैक्टिकल घटना बताता हूं। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, भाई जैसे आपको बताया कि आपको कैंसर है तो आपको कैसा अनुभव हुआ, तो उसने बहुत सिंपल बात कही और वो बात ये थी कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कैंसर है। तो फिर मैंने उस बच्चे का को कहा कि तुम्हारा कैंसर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और देखा थोड़े दिन के बाद मैंने चेक किया उस, क्योंकि वो मेरे फैमिली से कनेक्टेड है, तो देखा थोड़े 5-6 महीने के बाद ही उसका कैंसर ठीक हो गया बिना कुछ भी ट्रीटमेंट लिए। कारण क्या था कि उसने अपने मन के अंदर उस बीमारी को नहीं लिया। जब हमारे मन के अंदर बीमारी चली जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अगर बीमारी को संधि विच्छेद करें, आज ये बीमारियों का कारण क्या, बी प्लस मारी। बी किसको कहते हैं, भय, और मारी का अर्थ क्या होता है, बने रहना। किस बात का बने रहना जीवन में, भय, डाउट। ये भय शंका के संस्कार क्या कर रहे हैं, सारी बीमारियों को क्रिएट कर रहे हैं। देखो एक मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि ये विषय ऐसा है माइंड का, ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन समय के अनुसार मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं कैसे ये बीमारी हमारे विचारों के द्वारा हमारे शरीर में पैदा होती है। एक एग्जाम्पल लगता हूं मैं आपके सामने, एक बहुत हेल्दी और वेल्दी खुशनुमा इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं है,
अगर उसको बीमार करना है तो आप 5-10 मिनट के अंदर बीमार कर सकते हैं। ऐसे करना नहीं, मैं तो एक आपको एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, आप समझ गए होंगे। अब तो आपको क्या करना है, उसके 3 मित्रों को रास्ते में खड़ा करना है। पहले से 3 मित्रों को आप ट्रेनिंग दे दे कि जैसे वो आपका मित्र घर से बाहर निकलेगा, ऑफिस जाएगा, तो आपको ये बात करनी उसके साथ, सिंपल बात। और वो बात क्या होगी, सारे नेगेटिव टोन में। देखो वो हंसता मुस्कुराता हुआ वो सज्जन जब घर से बाहर निकलता है तो पहला मित्र मिलता, भाई क्या बात हो गई, आज आपके चेहरे के ऊपर खुशी दिखाई नहीं दे रही है, जबकि उसके चेहरे पर खुशी है। लेकिन जैसे उसने कहा कि भाई आपके चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही, वो कहता नहीं 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 मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिजिकल भी फिट हूँ, मेंटली भी फिट हूँ, मैं ऑल इज ओके। फिर वो आगे बढ़ता है, दूसरा मित्र मिलता है, अरे भाई क्या बात हो गई, आज आपके चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं है, क्या बात हो गई, कुछ झगड़ा हो गया क्या? उसने कहा नहीं 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 सब ठीक, आपको ऐसा कहीं डाउट हो रहा होगा, चलो ठीक है। फिर आगे बढ़ा, तीसरा मित्र मिला, उसने मोनो एक्टिंग ऐसी की, अरे भाई क्या हो गया, आज आपके चेहरे पर झुर्रिया, कल जैसी खुशी की झलक दिखाई नहीं दे रही है, आंखें पीली, चेहरा पीला, कहीं आपको पीलिया तो नहीं हो गया? बस अब वो व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, आज मुझे एक बात के ऊपर 3 मित्रों ने टोंक दिया, और जो तीसरे मित्र ने कहा कि चेहरा पीला आंखें पीली, तो तीनों तो गलत नहीं हो सकते ना। अब देखो उसने अपने माइंड के अंदर क्या बढ़ लिया, क्या बढ़ लिया कि मुझे पीलिया हो गया बस। और आप जानते हैं कि नेगेटिव थॉट्स फास्ट चलते, इसकी स्पीड फास्ट होती है, और वहीं से वो बैक टू होम, 10 मिनट निकले होंगे घर से बाहर, और 10 मिनट में हजारों विचार कर लिए उसने, मेरा क्या होगा, पति का क्या, वो पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मैं ठीक नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, बार बार वो पीलिया अपने बीमारी के बारे में सोचता रहा। और घर आया, घर आते अपने मैसेज को कहा डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर इमरजेंसी कॉल के ऊपर आया, और डॉक्टर ने चेक किया, बहन जी सॉरी भाई साहब को पीलिया हो गया। सोचो आप किसने किया, ये किसने किया, हमारे विचारों ने, हमारे विचारों का इतना इफेक्ट पड़ता है, जो हम सोचते हैं ना वो हम क्या कर रहे, एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, हमारे विचारों के साथ एनर्जी है, क्रिएटिव पावर है। जैसे हम विचारों की क्वालिटी होती है उस अनुसार हमारी ये एनर्जी पूरे शरीर में फैलती रहती है। आपने सुना होगा ये बॉडी कैसे बनती, रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, जैसे आपके मन होता है वैसे ये बॉडी का निर्माण होता है। बहुत सूक्ष्म ये साइकोलॉजी है ये। तो ये सारा जो प्रभाव आ रहा है वो प्रभाव कहाँ से आ रहा है, वो हमारे विचारों के द्वारा हमारे बॉडी के ऊपर प्रभाव आ रहा है। जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही है, परिस्थितियां क्रिएट हो रही है, समस्याएं क्रिएट हो रही है, सफलता आपके जीवन में आ रही, उन सबका आधार क्या है, आप उस सब का आधार है आपके थॉट्स है। देखो एक स्टूडेंट रात दिन मेहनत करता है, कोई मान लो सीए सीएस की पढ़ाई कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है वो, लेकिन उसके मन के अंदर नेगेटिव विचार, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। देखो ये नेगेटिव विचार क्या करता है, उसकी सफलता को असफलता में बदल देता है। उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे सफलता के अंदर हमारे संकल्पों का बहुत बड़ा योगदान होता है, हमारी सफलता हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे विचारों में क्रिएटिव एनर्जी है, ये हम अपने जीवन से मिस कर दिया हमने।
जो एक स्टूडेंट बार बार सीए की पढ़ाई में फेल हो जाता था, जब उसको इस बात की नॉलेज दी गई कि अब आप इस संकल्प के साथ, इस थॉट्स के साथ आप पढ़ाई पढ़ो कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं अवश्य सफल होऊंगा। जब इस विचार के साथ वो पढ़ाई करता है तो देखा है कि वो सीए के अंदर सक्सेस हो गया। चार बार फेल हुआ और पांचवे वो अटेम्प्ट में पास हो गया। तो चेंज लाएं अपने विचारों के अंदर। एक बहुत सुंदर बात, हमारा सुंदर भविष्य किसमें है? पॉजिटिव विचारों में है। जितना हम अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरपूर करेंगे, श्रेष्ठ विचारों से भरपूर करेंगे, उतना सफलता आपके नजदीक आती जाएगी। और आज मैं देख रहा हूं हमारे माइंड के अंदर नेगेटिविटी, इसके कई रीजन है, क्योंकि चारों ओर नेगेटिव एनर्जी है। आज हम देखते हैं सबका मन क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, सबका मन अभी तमो प्रधान हो गया। तो हमारा मन क्या रिसीव कर रहा है? नेगेटिव एनर्जी को हम रिसीव करते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में खुशी खत्म होती जा रही है। ये वर्तमान वातावरण चारों ओर ऐसा बना हुआ है। अब हमें इस वातावरण को अपने विचारों के द्वारा भी चेंज करना है। अब हम थोड़ा सा नजदीक आए कि कैसे हमारे विचारों का प्रभाव वातावरण के ऊपर पड़ता है, हमारी सफलता असफलता का कारण क्या है, हमारे थॉट्स। मैं कई बार यात्राओं में जाता हूं, कई बार ट्रेन में प्लेन में भी जाना पड़ता है, कई बार ऐसे सीन सामने आते हैं, कई बार मेरी ट्रेन मिस हो जाती है, कई बार हमें वेटिंग टिकट मिलता है फिर भी जाना जरूरी होता है। तो मैंने अपने अंदर एक चेंज लाया कि मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। पहले मैं थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेता था कि अब क्या होगा, बस अगर ट्रेन नहीं मिली, अगर ट्रेन मिस हो गई तो क्या होगा, और ट्रेन मिस हो जाती थी। मैं आज से 15-16 साल पहले बहुत बड़ा चेंज लाया कि जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा। एक प्रैक्टिकल में आपको घटना बताता हूं। मुझे एक बार प्लेन से किसी दूसरी जगह जाना था और उस शहर में बहुत ट्रैफिक था, और ट्रैफिक के कारण हम लेट होते जा रहे थे। जब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम रह गए थे तो अब हमने 10 मिनट ही हमारे पास थे, और हमारे साथी लोग सोचने लगे कि आज तो हमारा प्लेन मिस हो जाएगा, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां पर। लेकिन मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि हम अवश्य पहुंचेंगे, फुल कॉन्फिडेंस। मैंने अपने अंदर कभी भी नेगेटिविटी को लाने नहीं दिया, मैंने कहा अवश्य पहुंचेंगे। भले ही वो ड्राइवर बहुत फास्ट करता गया, लेकिन फिर भी हमने देखा हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 किलोमीटर हमारे पास टाइम था केवल 10 मिनट, और वो भी ट्रैफिक का पूरा रोड था, फुल ट्रैफिक था, हेवी ट्रैफिक। और आप जानते हैं शहरों में उस ट्रैफिक को क्रॉस करने में बहुत टाइम लग जाता, कई बार जाम लग जाते, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती थी। और जब हम एरोड्रम पर पहुंचे तो टाइम तो हो गया था, और साथियों ने पूछा आज तो हम 10 मिनट लेट हो गए, तो आज तो प्लेन चला गया। पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो काउंटर पर चलते। हमने जाते ही काउंटर पर कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा सा लेट तो हो गए लेकिन हमको जाना है। तो उन्होंने इमीडिएट हमारा टिकट बना दिया और हमको पास दे करके उन्होंने बोला कि बस अभी प्लेन लेट, आज लेट हुआ था और अभी जाने वाला है, आप चले जाइए। उन्होंने जैसे हमें अपना पास दिया, हम एरोड्रम उस पर प्लेन के नज़दीक पहुंचे और जैसे ही बैठे प्लेन उठ पड़ा। ये है हमारी संकल्पों की कमाल, थॉट पावर। हम अपने संकल्पों के द्वारा हम सिचुएशंस को भी, परिस्थितियों को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संकल्पों में क्या है, क्रिएटिव पावर है।
तो आज से हम अपने अंदर क्या लाएंगे बदलाव, कि जो होगा वो हमारे साथ अच्छा ही होगा। ये चेंज लाओ आप, देखो क्या होता है। 5-7 दिन तक आप देखो इसको क्या होता है, वेट एंड सी। क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है वो थॉट पावर। आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा अभी भी। थोड़ा सा ध्यान दें अपने संकल्पों की क्वालिटी के ऊपर। सेकंड बात, हमें अपने कॉन्शियस में एक बहुत बड़ी एक बात बढ़नी, और वो बात क्या बढ़नी कि हमारा साथी कौन है। आपको आज परिचय मिला होगा परमात्मा का। हम किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। दुनिया वालों के लिए ईश्वर है, लेकिन वो हमारे लिए क्या है? वो बाप है। और बाप का हमारे साथ क्या संबंध है? बाप और बच्चे का संबंध है। तो बच्चे का बाप के ऊपर अधिकार होता है या नहीं होता है? होता है ना। जो बाप का है वो मेरा है। तो बाबा के पास क्या है, ईश्वर के पास क्या? सर्व शक्तियां है। उसको सर्व शक्तिवान कहते हैं। जैसे ईश्वर सर्व शक्तिवान है तो उसके बच्चे कैसे हैं, क्या कहलाएंगे उसके बच्चे? मास्टर सर्व शक्तिवान। हमारे पास वो पावर है, लेकिन हम भूल चुके हैं इस देह बान के कारण। इसीलिए ये हमारी शक्तियां एक्टिव नहीं हो पा रही है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास परिस्थितियों को फेस करने के लिए, समस्याओं को फेस करने के लिए हमारे पास वो पावर, वो एनर्जी है। हमें इस बात का ही ज्ञान ही नहीं है कि हमारे पास इतनी पावर है। हम सारे संसार को चेंज कर सकते हैं। सारे संसार को चेंज करने की पावर भी हमारे अंदर है। आज देखो संसार किस कंडीशन में पहुंच गया है। अब इस संसार को अच्छा बनाने के लिए हमें इस थॉट्स पावर के द्वारा हम संसार को अच्छा बना सकते हैं। आप अनुभव करेंगे एक दो दिन के बाद कि किस तरह से हम राज्यों के द्वारा हम प्रकृति के अंदर भी चेंजेस लाते हैं, अपने व्यवहार के अंदर भी चेंजेस लाते हैं, संस्कार के अंदर भी चेंजेस लाते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है योग की शक्ति। क्योंकि जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं तो वो वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं और वातावरण के अंदर, प्रकृति के अंदर चेंजे जाने लगता है। तो हम अपनी कॉन्शियस में क्या भरेंगे कि वो हमारा है। कौन हमारा है? सर्वशक्तिवान हमारा है। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड मिनिस्टर है और वो मिनिस्टर दिल्ली में है और आप यहाँ बैठे हैं, तो अभी आपकी आपको उस पावर का अनुभव होता है ना कि वो मिनिस्टर हमारा है। भले वो दूर बैठा है, लेकिन फिर भी आपको कितनी अथॉरिटी रहती कि हमारा वो मिनिस्टर हमारा फ्रेंड है। ऐसे ही परमात्मा, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो ईश्वर, वो परमात्मा पिता किसका है? वो मेरा है। अधिकार, जब हमारा ईश्वर के ऊपर अधिकार आ जाता है तो उसकी सर्व शक्तियां, उसकी पावर ट्रांसफर होने लगती है। हमारी शक्तियां एक्टिवेट होने लगती है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, इसके बारे में कई एग्जांपल्स दे सकते हैं। देखो हर गली में कुत्ता होता है और आपको ये मालूम है कि दूसरी गली का कुत्ता पहले गली में आ सकता है? नहीं आ सकता है। अगर गलती से आ भी गया तो क्या होगा? उसकी हार हो जाएगी। और ये हम सुना करते थे कि अपनी गली में कुत्ता क्या होता है? शेर होता है। सुना करते हैं? देखो सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब वो दूसरी गली का कुत्ता अपने स्वामी के साथ, मालिक के साथ जब उस गली में जाता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? देखो वो शेर हो जाता है और पहले वाले कुत्ते के ऊपर वो अटैक करके
विजय उसकी हो जाती है। देखो कैसे वो कुत्ता विजयी बन गया, वो पहले उसकी हार हो गई, लेकिन उस कुत्ते को मालूम है कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ मेरा मालिक है। तो कुत्ते के अंदर भी ये नॉलेज है। तो हम तो बुद्धिमान प्राणी है ना इस संसार के, तो हमारे पास कितनी पावर है, बहुत बड़ी पावर है, जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है। हम अपनी शक्तियों को भुला के बैठे हैं। तो हम अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए राजयोग एक सबसे बढ़िया साइंटिफिक प्रोसेस है, जिससे ये शक्तियां जब हमारी एक्टिव हो जाएगी तो आप देखेंगे डे बाई डे आपका जीवन समस्याओं से रहित होने लगेगा। और जब हमारा मन पावरफुल बन जाएगा तो आपको समस्याएं, बड़ी बड़ी बातें, परिस्थितियां क्या लगेगी, खेल लगने लगेगी। तो हमें अपने मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर काफी चेंजेस लाने हैं। हम एक दूसरे को एप्रिशिएट करें। जितना हम एक दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ने लगती है, परिवार का माहौल अच्छा बनने लगता है, सफलता नजदीक आने लगती है। एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाए। आज हम माँ बाप क्या करते हैं? देखो एक बच्चा है, वो रात दिन पढ़ाई करता है और माँ बाप कहते हैं तुमको 90% लाने ही है। अब बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि उसका मन पढ़ाई में कंप्लीट एकाग्र नहीं हो पाता है। क्यों? स्ट्रेस क्रिएट कर दिया कि तुमको 90% लाने ही है, तनाव क्रिएट हो जाता है। अब वो बच्चा रात दिन मेहनत करके वो 90% नहीं ले आ पाया, 85% ले आ पाया, तो माँ बाप कहते हैं तुमने हमारा नाम बदनाम कर दिया। और कई बार हम बच्चों को मोटिवेट करने के बजाय क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जिसके कारण आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, 85% आए, अगली बार तुम्हारे को 90% मिलेंगे, एप्रिशिएट करो। तो जितना हम औरों को एप्रिशिएट करते हैं तो हमारे मन की शक्तियां बढ़ने लगती है। एक किस्सा और मैं आपको याद आता है कि देखो एक कन्या की शादी दूसरे परिवार में हुई, और जैसे शादी हुई तो उसको पता लगा कि उसकी सास बहुत तेज तर्रार, और उसने कहा कि मेरा तो सास के साथ है ना पूरा जीवन निभाना हो संभव नहीं है। अब उसके मन में विचार आया कि या तो मेरे परिवार में सास रहेगी या मैं रहूंगी। उसके मन में विचार आए कैसे भी करके इस सास को हटाना है। तो उसका जो अंकल था, वो अंकल तांत्रिक था, तो अपने अंकल के पास गई वो और अंकल को बातें बताई, कहा कि मेरी सास बहुत तेज तर्रार, मेरे और उनके बीच में मेरा जीवन संभव नहीं है, आप कैसे भी करके कोई मुझे ऐसा मेडिसिन दो, कोई ऐसी टेबलेट दो जिससे मेरी सास खत्म हो जाए, आप कोई ऐसा पोइजन दो। अंकल समझदार थे, अंकल ने कहा कि बेटी तू अगर ऐसा काम करेगी तो तू जेल में चली जाएगी, एक ऐसा काम नहीं करो, नहीं आप कुछ भी करो, आप मुझे कोई भी मेडिसिन दो, मुझे मेरी सांस को खत्म करना, कोई भी पॉइजन दो। तो उसने क्या किया, उसने एक कंडीशन रखी कि मैं तुझे पॉइजन तो देता हूं लेकिन ये पॉइजन स्लो स्लो काम करेगा, और इस पॉइजन को किसी भोजन में मिला करके देने के साथ एक कंडीशन ये है कि रोज तुम अपनी सांस की महिमा करनी है। तुम रोज सास को एप्रिशिएट करेंगे तो ये पॉइजन काम करने लगेगा। तो उसने कहा ठीक, जो भी आप कहेंगे मुझे मंजूर है। तो उसने कहा ठीक है, ये तुम पुड़िया ले जाओ, ये 6 महीने तक रोज थोड़ा थोड़ा भोजन में मिक्स करते देते जाना, ताकि उसको भी पता नहीं लगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। वो बहुत खुशी खुशी से घर आई, और घर आने के बाद ये क्रम चालू कर दिया।
भोजन में थोड़ा थोड़ा मिला करके देने लगी और सास को एप्रिसिएट करने लगी, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो मेरी माँ की जैसी हो, तुम्हारी जैसी सास तो सबको मिले, देखो एप्रिसिएट। 3-4 दिन हो गया, सास ने देखा कि मेरी बहू में इतना बड़ा चेंजेज। अब सास भी तो, उसके पास भी तो बुद्धि है ना, तो उसने भी सोचा जब ये मेरी इतनी एप्रिसिएट, मेरी महिमा कर रही है, मेरी सारी देखभाल कर रही है, है ना, मेरी मालिश कर रही है, पूरा ध्यान रख रही है, तो चौथे पांचवे दिन सास भी बहू को एप्रिसिएट करने लगी कि तुम्हारे जैसे बहू तो सबको मिले, मेरा तो भाग्य है तुम्हें पा करके। बस महिमा का दौड़ चालू हो गया। अब क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद दोनों के संबंध बहुत अच्छे हो गए। सुनो सुनो, अभी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, ताली बाद में बजाना। तो अभी उस बहू के अंदर विचार आया कि अब मैं सास को खत्म नहीं करना चाहती हूं। अब वापिस वो अंकल के पास गई, अंकल आप कुछ ऐसी दवाई दो जैसे मेरे सास मरने से बच जाए, अंकल समझ चुके थे। तो उसके अंकल ने कहा, पगली मैंने जो तेरे को जो जहर की पुड़िया दी थी वो जहर नहीं था, वो तो राग थी, जहर तो तेरे मन में था। अब वो जहर निकल गया और माहौल अच्छा बन गया, तो अब देखो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। तो इस तरह से हम अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए हमें अपने मन के अंदर है ना चेंजेज लाए, कुछ एक चेंज ला करके उठे कि कहाँ हमारे जीवन में मिसिंग हो रही है। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम इसको यहीं समाप्त करते। ओम शांति।